वफा नहीं हो पाए। सर जरा एक्सप्लेन तो करें कि ये मुल्क में मजमूई तौर पर तो हमें तसल्ली बख्श है, वो 44% लग रहा है, लेकिन इसमें खैबर पख्तूनख्वा पहले नंबर पे आई है, उन्होंने ऐसा क्या किया, पंजाब दूसरे नंबर पे, वो क्या नहीं कर पाए, और सिंध बलोचिस्तान की भी सूरत हाल वाज़ेह कीजिए। देखिए, जैसा कि ये परसेप्शन सर्वे है और परसेप्शन सर्वे में रिस्पोंडेंट्स जो है वो अपनी राय का इजहार करते हैं, तो हमने एक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सैंपल लेके एक मौकर जरीदे के साथ मिलके हमने सर्वे को इम्प्लीमेंट किया और लोगों से उनकी राय पूछी गई सेहत की सहूलियात के बारे में। और जैसा कि अभी आपने अपने रिजल्ट्स बताए, अगर इसको मैं वन लाइनर देना चाहूँ, क्योंकि ये तो एक पार्ट था, दूसरा पार्ट ये था कि सूबाई हुकूमत की किस चीज़ से आप ज़्यादा खुश हैं परफॉर्मेंस वाइज, तो उसमें यह था कि पंजाब के बारे में जब बात आई तो पंजाब के बारे में लोगों ने कहा कि जी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अच्छा इस पर वो खुश थे कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोर्ट वगैरह और एनर्जी के मंसूबे वगैरह। जब हमने यही सवाल जो है अपने केपी के जो थे हमारे रिस्पोंडेंट उनसे पूछा तो वहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट हमें कोई नज़र नहीं आया। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जी हमारे जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिफॉर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, इस्लाहात हुई हैं, इस्लाहात उसमें हो रही हैं, उनका रवैया तब्दील हो रहा है, वहाँ पे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते जा रहे हैं। जब हमने सिंध में बात की तो उन्होंने कहा जी कि पहले 4 साल तो सिंध में कुछ नहीं हुआ, आखिरी साल में आके कम अज़ कम सड़कें जो हैं वो कुछ बेहतर हुई हैं। बलोचिस्तान में जब हमने बात की तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि जी हालात जो हैं ये 5 साल में पहले की नस्बत बदतर हो गए हैं। तो ये तो था ओवरऑल सेटिंग, ठीक हो गया। फिर हमने उसके अंदर जब हेल्थ की बात की कि उसके अंदर हेल्थ को देखा जाए तो पंजाब में ये है कि आपकी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर जो है, जो बड़े हॉस्पिटल, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर हुए हैं। पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा। केपी में आपको एज सच पब्लिक जो सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई, लेकिन वहाँ पे जो आपको एक तब्दीली जो लोगों के मुताबिक नज़र आ रही है वो ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर बेहतर होगी। यानी यूनियन काउंसिल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे उन्होंने कहा कि जी पहले अगर डॉक्टर यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता था या यहाँ पे बेसिक मेडिसिन, रश भी कम होता है ना फिर आपके सेकेंडरी के ऊपर, तो असल चीज़ यही है कि अगर आप प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करेंगे तो बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ आने की जरूरत लोगों को सिर्फ होनी, जबकि इसके बरक्स जो है वो पंजाब में हुआ। तो पंजाब में ये था कि पंजाब में जो प्राइमरी और वो जो सेकेंडरी और टर्शरी वो बेहतर हुआ।